सचिन पायलट टोंक से विधायक है। इधर एमीम के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी 19 फरवरी को टोंक में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। यहां वो लोगों के साथ नमाज भी अदा करेंगे। पार्टी की ओर से स्टेट कन्वीनर जमीन कुरैशी ने कहा कि हम उन सीटों पर नजर रखे हुए हैं जहां पार्टी को चुनाव लड़ना है। राजस्थान में हमारे 1 लाख से ज्यादा एक्टिव कार्यकर्ता है। ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 18 और 19 फरवरी के दौरे में वो पूर्वी राजस्थान में कई जगह समर्थकों को संबोधित करेंगे। राजस्थान में टोंक मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट मानी जाती है। आजादी के समय टोंक मुस्लिम रियासत थी। विधानसभा चुनाव 2018 के समय सचिन पायलट को जब टोंक से चुनावी मैदान में उतारा तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे के करीबी यूनुस खान को यहां टिकट दिया गया। तब भी ये कयास लगाए गए कि पायलट मुश्किल में फंस गए हैं। मुस्लिम बहुल सीट पर उनका दावा फंस सकता है। हालांकि वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। कहा गया कि बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर ने पायलट का साथ दिया था। ऐसे में इस बार अगर ओवैसी पायलट के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो फिर 2023 में पायलट के लिए विधानसभा पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राजस्थान में अजदुद्दीन ओवैसी इस बार के चुनाव में पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि वो प्रदेश की 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी भी अपने इस दौरे में पहले भरतपुर के कामा जाएंगे, उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे। अगले दिन टोंक में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की सचिन पायलट के गढ़ में हो रही बड़ी सभा सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है।